हमने जो है वो काफी सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लिया था। हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को जो है कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा हीट केमिस्ट्री वगैरह भी जो हमने कर ली थी। हमारा आज का टॉपिक है एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। एंड चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये हीट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी सिस्टम को जो है वो हीट देते हो, ठीक है, वो हीट जो होती है वो क्या होती है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को जो है वो इंक्रीज करने में लगती है। देखो एक एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में बहुत सा डिफरेंस है। सपोज करते हैं अगर मेरे पास एक सिस्टम है, गैस का सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर है, इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, दैट इज ई, इंटरनल एनर्जी, दैट इज ई, ठीक है। लेकिन ये गैस क्या ऐसी जो है वो आ गई? नहीं। सबसे पहले अगर हम इसी वाले को जो है, इसी सिस्टम को जो है वो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जो है वो रखे, एब्सोल्यूट जीरो पे अगर हम इसको जो है वो रखते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत नजदीक होंगे, वही हमने दिखाया। इसका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम भी जो है वो नेग्लिजिबल होगा, प्रेशर भी इस केस में जो है वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा, प्रेशर जो है वो भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सम पर नेग्लिजिबल होगी बट पूरी नेग्लिजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसको यहाँ पे जो है वो क्या करना है, इधर से ये वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे कैसे ट्रांसफर हो गया, जब बाहर से इसको जो है वो क्या मिली, वो हीट मिली। जब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से जो है वो क्या लेता है, कोई भी सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, दैट इज सपोज करो ये वाला है। लेकिन मैंने इसी सिस्टम को बोला कि पहले ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपने आप तो नहीं ना आता है 25 पे, वो सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो 0 डिग्री से 25 तक जाने में जब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, 25 डिग्री सेल्सियस को एब्जॉर्ब किया, तो इसका क्या क्या इंक्रीज हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर भागेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे। दैट मीन्स जब आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जो मैंने बाहर से हीट दी है, क्या वो पूरी की पूरी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगी है? नहीं। उससे क्या हुआ, पहले वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागे, इसका मतलब जो मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दी उससे जो है आपका वॉल्यूम भी क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। जो आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दी उससे क्या हो गया, प्रेशर भी क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास गैस का मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर भागेगा, वो बम्बार्डमेंट करेगा, उसी की वजह से क्या होगी, आपका प्रेशर भी जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब जो हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर से जो है वो दे रहे हैं, वो जो है वो इंक्रीज करवा रही है उसकी इंटरनल एनर्जी भी, उसका प्रेशर भी और उसका वॉल्यूम भी। यही जो हीट है, यही तो हीट कंटेंट है, जो उसको बाहर से मिला वही तो कंटेंट है, ठीक है। जो हीट कंटेंट है जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, वो है आपका इंटरनल एनर्जी और प्लस है आपका प्रेशर और वॉल्यूम। दैट मीन्स जो आपका एच है वो किसके बराबर होता है, ई प्लस पी वी के बराबर होता है। दैट इज जो हीट कंटेंट होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के बराबर। क्योंकि जो आप बाहर से हीट देते हो उससे खाली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती बल्कि प्रेशर भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तो वो हीट कंटेंट जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसी में एंथैल्पी चेंज। जो आपका डेल्टा ई होता है वो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, सम ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग
और प्लस होता है आपके पास वर्क, ठीक है। दैट इज क्यू किसकी बराबर आ जाएगा, वाई का डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। खाली हमें क्यू जो है वो ऐसा ही है। अब हमें क्या करना है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, या फिर यहाँ पे माइनस करो, माइनस पी डेल्टा वी, जो आपका डब्ल्यू है, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे जो है वो यूज कर दिया। माइनस माइनस प्लस होगा तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर। अब ये डेल्टा ई जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज ई2 माइनस ई1। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वी2 माइनस वी1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लिखें तो आपके पास क्या बनेगा, इन इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो पुट करेंगे। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आएगा ई2 माइनस ई1, डेल्टा ए की जगह पे ये लिखिए, प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे वी2 माइनस वी1। अब ई2 वाली, ये जो 2 वाली टर्म्स है उनको एक साइड लिखेंगे, 1 वाली टर्म्स को दूसरी साइड लिखेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू आएगा आपके पास ई2 प्लस पी वी2 माइनस ई1 प्लस पी वी1 के बराबर, ठीक है। आप जानते हो कि जो E प्लस पी वी है, H जो है वो किसके बराबर था, E प्लस पी वी, जो मैंने पहले ही आपको जो है वो बोल दिया। तो E2 प्लस पी वी2 किसके बराबर होगा, वो होगा H2 के बराबर, ये किसके बराबर होगा, H1 के बराबर। इसका मतलब Q किसके बराबर होगा, वो होगा H2 माइनस H1, दैट इज डेल्टा H के बराबर। अब चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको हम QP से रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास H है वो किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। दूसरा, जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी है, बेटा यहाँ पर भी जो है वो डेल्टा H जो है वो लिख सकते हो, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर मेरे पास जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास E प्लस P V के बराबर होता है, और चेंज जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर, जो मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है। क्योंकि ये क्यू जो है वो मैंने अभी आपको बोला कि ये डेल्टा एच के बराबर होता है, तो इस क्यू की जगह पे आप डेल्टा एच पे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो चीजें होती है, एक तो आएगा आपके पास दिस इज द हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होती है वो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर, और कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है उस पे जो हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो होता है आपका इंटरनल एनर्जी। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाती है, उसकी चेंज इन एंथैल्पी। मतलब अगर एक सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे है, अगर कोई भी सिस्टम जो है वो आपका बाहर जो है वो हीट जो है वो दे रही है, ठीक है, एक सिस्टम है कांस्टेंट प्रेशर पे है, सपोज करो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, वो बाहर जो है वो हीट को जो है वो दे रहा है, ठीक है। कितनी हीट दे रहा है वो उसकी जो है वो क्या कहलाएगी, चेंज इन एंथैल्पी। कितनी हीट बाहर से ले रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो उसकी कहलाएगी चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन अगर वही सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो जितनी भी हीट एक्सचेंज होती है, दैट इज कितनी हीट बाहर जाएगी कितनी हीट अंदर आ जाएगी, वो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो एक तो इसका एक्सप्रेशन ये है, दैट चेंज इन एंथैल्पी जो होता है आपके पास, वो हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा होता है चेंज इन एंथैल्पी जो होता है, वो सब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम जो है वो प्रेशर वॉल्यूम जो है वो एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास की एंथैल्पी क्या होता है और चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, डिपेंड करता है कि रिएक्शन का नेचर क्या है, कंबशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है
आपके डिफरेंट टाइप्स की जो है वो एंथैल्पी जो है वो होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इज द डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो कहलाती है आपकी क्या, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है ईपी माइनस ई आर जैसे बोला था चेंज इन टर्म एनर्जी रिएक्शन का, वैसे ही आपके पास जो रिएक्शन की एंथैल्पी होती है वो भी होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सपोज करते हैं आप मेरे पास क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें जो डेल्टा एच है वो है माइनस 390.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो इस वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, मतलब इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी है ये जो डेल्टा एच है ये क्या है। देखो एंथैल्पी जो होती है चेंज इन एंथैल्पी को जैसे हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते वैसे ही हम जो है वो एंथैल्पी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमने वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट किया वैसे ही हम यहाँ पर जो है वो चेंज इन एंथैल्पी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे निकाला, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे ही यहाँ पर हम जो है वो चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक चीज याद रखना डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी वेयर एज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये दिमाग में बिठा देना, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो इसके बराबर, इस चीज का क्या मतलब है, मैं इसकी एंथैल्पी नहीं निकाल सकती, मैं इसकी एंथैल्पी नहीं निकाल सकती, मैं इसकी एंथैल्पी नहीं निकाल सकती, मतलब मैं एच पी माइनस एच आर इस केस में नहीं कर सकती। ऑल्दो ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, लेकिन हम किसी की एंथैल्पी निकाल ही नहीं सकते, तो ना ही हम एच पी की निकाल सकते हैं ना ही हम एच आर की निकाल सकते हैं। तो फिर ये एंथैल्पी आया कहां से, ये बेसिकली क्या है कि जब मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो जब मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन मिल जाते हैं इनका एक एक मोल मिलके जो है मेरे पास क्या बनाता है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है, उस केस में जो आपका सिस्टम है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इतनी अमाउंट ऑफ हीट किसको देता है, सराउंडिंग को देता है, ठीक है। समझ में आया कि जब मेरे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे सिस्टम में बनती है, तो यहाँ पर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और अगर यही सिस्टम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है इतनी अमाउंट ऑफ हीट ये कहाँ छोड़ता है, बाहर छोड़ता है, ठीक है। और इसी हीट को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम जो है वो बाहर सराउंडिंग को जो है वो छोड़ेगा, बिकॉज ये रिएक्शन क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हाल फिलहाल में इसका अगर नाम आपको बोलिए मैं खाली समझा देती हूं कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन हो रही है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, कंबशन हो रही है कार्बन की, या सिंपल हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी जो है इसको जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है किसी एंथैल्पी को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हो। अब सबसे पहला हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ the enthalpy change which accompanies
वन मोल ऑफ सबस्टांस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इट विल बी डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हिच एक्कंपनीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड या वन मोल ऑफ सबस्टांस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. At a given conditions of temperature and pressure. At a given conditions of temperature and pressure. For example, आपके पास यही मिले थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन डाइऑक्साइड in here delta H is equal to -393.5 kilojoule per mole. ठीक है. तो क्या बोलता है ये कि जब एक मोल सबस्टांस बनेगा फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे कितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और इस एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जब ये बन रहा है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब इसका एक मोल बन रहा है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये छोड़ रहा है. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे क्या होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होती है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है द एंथैल्पी चेंज व्हिच एकंपनीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड सबस्टांस ये ले सकते हो इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मेरे पास गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा आपके पास 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर इन दोनों पे है टेम्परेचर प्रेशर पे कितना मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन कंडीशंस पे 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस केस पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी. बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी. ठीक है. सेकेंड जो इसकी टाइप है वो आ जाएगी आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है. एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है कि वी डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज इट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हिच एकंपनीज when one mole of substance undergoes complete combustion when one mole of substance undergoes complete combustion in the presence of excess of air in the presence of एक्सेस ऑफ एयर. तो जब आपके पास क्या होता है कि एक वो सबस्टांस जो है जब आपके पास जो है वो क्या होता है उसकी कंबशन हो तो उस टाइम पे जितनी भी आपके पास जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है. जब वन मोल सबस्टांस अंडरगोस कंप्लीट कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कार्बन जो आपके पास मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन्स की जब भी जो है वो ये होती है कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है. टू टाइम ऑक्सीजन एंड टू टाइम्स. इस केस में जो आपका डेल्टा एच है वो आएगा आपके पास -890.3 किलो जूल पर. ठीक है. मतलब कि जब मेरे पास
से इसी का ब्लॉक व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स ऑफ एयर उस टाइम पे एंटर की चीज मतलब जब मेरे पास एक मोल मीथेन उसकी कंप्लीट कंबशन होगी ठीक है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जो है वो बनाएगा उस केस में अब माइनस है तो फिर से एनर्जी को दे रहा है उस केस में इतनी अमाउंट ऑफ हीट को ये क्या करता है बाहर छोड़ता है वो इसका जो है वो मतलब है कि -890.3 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो क्या होती है वो बाहर निकलती है जब मेरे पास एक मोल मीथेन जो है वो कंप्लीट कंबशन शो करता है और इसी को हम क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं थर्ड है आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है जब एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बनाते हैं ठीक है तो हम क्या बोलेंगे द एंथैल्पी चेंज व्हिच एकंपनीज व्हेन 1 ग्राम equivalent of acid and base neutralize each other जब मेरे पास 1 ग्राम equivalent जो है acid और base वो क्या करेंगे एक दूसरे को neutralize करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास उस टाइम पे जो enthalpy change होगी वो कहलाएगी आपके enthalpy of neutralization for example आपके पास है sodium hydroxide HCl aqueous आपके पास बनेगा HCl again aqueous और प्लस बनेगा वाटर ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यूज NaCl प्लस वाटर और इस केस पे डेल्टा H जो है वो कितना आएगा डेल्टा H इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर जब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ मिल जाएगा न्यूट्रलाइज करेंगे आपके पास NaCl और वाटर उस केस में ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है बाहर छोड़ता है क्योंकि मैंने माइनस जो है वो लिखा है -57 अगर प्लस होता तो दैट मींस एब्जॉर्ब की ठीक है अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस इज द अमाउंट which produces या which provide 1 mole of H positive or OH negative ions which provide 1 mole of H positive or OH negative ion respectively in aqueous solution when completely neutralized या आप बोल सकते हो आयनाइज्ड बोलता है जब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ मिल जाएगा उस केस में इतनी एंथैल्पी चेंज होती है इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होता है इतना अमाउंट ऑफ NaOH होता है कि वो 1 mole ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वैसे ही इतना अमाउंट ऑफ HCl होगा जो 1 mole ऑफ H पॉजिटिव आयन को क्या करे प्रोड्यूस करे जब कंप्लीट आयनाइजेशन होती है वो 1 ग्राम भी हो सकता है वो 2 ग्राम भी हो सकते हैं वो 5 ग्राम भी हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है अगर 5 ग्राम जो है NaOH जो है वो 1 mole जो है वो क्या बना रहा है 1 mole जो है प्रोड्यूस कर रहा है OH नेगेटिव आयन जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो उसका क्या कहलाएगा 1 ग्राम equivalent है वो कहलाएगा ठीक है next है आपके पास fourth type enthalpy of solution enthalpy of solution
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट एकंपनीज when it is the enthalpy change that accompanies when one mole of substance is dissolved in such a large excess of solvent when 1 mole of substance is dissolved in such a large amount of solvent at a given temperature, that further addition of solvent, does not produce any more heat change. ठीक है, एग्जाम्पल NaCl प्लस वॉटर, नमक को पानी में डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? NaCl एक्वस बनेगा, नमक का सोल्यूशन पानी में। और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा H इज इक्वल टू आएगा प्लस 5.35 किलो जूल पर। ठीक है, ये बोलता है कि जब मेरे पास एंथैल्पी चेंज विच एकंपनीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट सॉल्यूबल आपका NaCl, जब NaCl का 1 मोल इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो है वो क्या होता है, इतना एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, देखो सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके पास क्या है, फिक्स टेम्परेचर, उसमें आपने कुछ भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया, उसमें आपने जो है वो 1 मोल NaCl जो है वो डाला, उस 1 मोल NaCl में आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ पानी की जरूरत पड़ेगी, इतना अमाउंट ऑफ पानी की जरूरत पड़ेगी, आप पानी डालते जाओगे हीट एक्सचेंज जो है वो होता जाएगा, पानी फिर से डालोगे हीट जो है वो फिर से एब्जॉर्ब, ये इसमें बेसिकली प्लस हो रहा है, दैट मींस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आपने इतना अमाउंट ऑफ पानी डालना है कि आप और ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, दैट इज अब उसमें नमक ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है तो आप और ज्यादा हीट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उस एक्स्ट्रा लार्ज जो आपके पास है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट जो है आपके पास, उसमें 1 मोल NaCl जो है प्रेजेंट है, इतना ज्यादा पानी है कि उसमें जो है और ज्यादा एंथैल्पी चेंज अब नहीं हो सकता। अब जितनी भी मैक्सिमम एंथैल्पी चेंज हुई है वो कहलाएगी आपकी क्या, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लास्ट टाइप है इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच एकंपनीज व्हेन 1 मोल ऑफ anhydrous salt changes into hydrated one by combining with specific number of water molecules for example CuSO4 plus 5 times water gives CuSO4 5 times water। ठीक है, और इसके इसमें जो आपके पास एंथैल्पी है वो किसके बराबर है? -78.2।
होगी वो कहलाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो जब एक कोर सी एस सपोज जो है वो फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा, उस केस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी। दूसरी तरीके की भी एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, जब फेजेस जो है वो ट्रांजिट करते हैं, चेंज होते हैं, उस केस में भी क्या होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट इवॉल्व होती है, दैट्स एंथैल्पी चेंज होती है। उसी एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। दैट इज ऐसी एंथैल्पी चेंज जब आपके पास एक फेज दूसरे फेज में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो तीन तरह की होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और बेसिकली सारे के सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है उन रिएक्शन को जो है, सॉरी उन फिजिकल स्टेट को जो है वो अटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट है आपके पास एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तीन डेफिनेशंस आ जाएंगी, सबसे पहला आएगा इसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नंबर वन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड at its melting point changes into liquid state for example water solid changes into water liquid and here delta H जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.0 किलोजूल पर मोल। ठीक है, जब एक मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब इसका क्या आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आपके पास सपोज करो आइस है, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे आपने जो है वो क्या रखी, आइस एक मोल रखी। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उस केस में इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है प्लस 6.0 जो है वो क्या करता है, बाहर से एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हिच एकंपनीज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट changes into gaseous state. Changes into gaseous state. For example, water liquid change हो जाएगा water gas. और इसमें जो delta H होगा, इसको लिखोगे SUB sublimation, इसको लिखोगे VAPL vaporization. तो enthalpy of vaporization इस केस में कितनी है, 40.6 kilojoule per mole. इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास एक मोल जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, या पानी होता है,
वो जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है तब जाके वो जो है वो गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। थर्ड लास्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी व्हिच एक्कंपनीज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू गैस स्टेट, चेंजेस इनटू सब्लिमेशन का मतलब ही होता है सॉलिड टू गैस। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास आयोडीन है सॉलिड, आयोडीन सॉलिड जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस केस में डेल्टा एच जो है सब्लिमेशन, दैट इज SUB, सॉरी यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं, यहाँ पे फ्यूजन आता है। ठीक है, डेल्टा एच फ्यूजन, तो यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 62.4 किलो जूल पर मोल। मतलब जब एक मोल आयोडीन जो है सॉलिड वो गैस पे कन्वर्ट होता है उस केस में इतनी अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब करता है तब जाके हो जाए वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा एच सब्लिमेशन का फ्यूजन के साथ और वेपराइजेशन के साथ, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, जो आपके पास फ्यूजन की एंथैल्पी होती है वो सम होती है, सॉरी सब्लिमेशन की एंथैल्पी होती है वो सम होती है फ्यूजन की और वेपराइजेशन की। ठीक है, तो ये था आपके पास की एंथैल्पी क्या होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है